चलो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। चलो तो लास्ट क्लास में हमने इवन ऑड फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। इवन ऑड फंक्शन कंप्लीट कर लिए हैं और आइडेंटिकल फंक्शंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। नो लेट्स मूव टू पीरियोडिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो पीरियोडिक फंक्शन जो है, पीरियोडिक फंक्शन मीनिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल, जैसे कि साइन का अगर हम ग्राफ लें तो साइन का हमारे पास ग्राफ ये आता है, करेक्ट। ये एक साइकिल होती है और यही वाली जो साइकिल है देखो इसमें मेनली ज्यादा समझना आपको यही है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। देखो निकालने के कुछ एक दो तीन तरीके हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, बट उससे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि आप उसको जब तक अंडरस्टैंड नहीं करोगे अच्छे से ग्राफिकली, जब तक आपको वो दिक्कत आएगी। जैसे कि इसमें क्या है, ये एक पार्ट है, सिमिलरली एक पार्ट ये है। तो साइन में हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया और हमने बोला कि अगर यही हम कॉपी पेस्ट करते जाएं, यही वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन अगर मैं कॉपी पेस्ट यहाँ से यहाँ तक का करूँगा तो मेरे को ग्राफ मिलते जाएगा। मतलब सेम चीज़ बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, ठीक है। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1 एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज़ -1। है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, दिस वैल्यू इज 2 पाए, दिस वैल्यू इज 4 पाए, दिस वैल्यू इज -2 पाए एंड सो ऑन। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल आ रहा है 2 पाई का, तो ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर 2 पाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है π/6 पे, मान लो सपोज π/6 पे जो वैल्यू है वो 2π + π/6 पे भी रिपीट हो रही है, वो 4π + π/6 पे भी रिपीट हो रही है, और ये कहाँ तक चल रहा है, ये ऐसा इनफाइनाइट तक चल रहा है। या फिर वो आप बोल सकते हो कि -2π + π/6 पे भी रिपीट हो रही है, -4π + π/6 पे भी सेम वैल्यू रिपीट हो रही है ना। वैल्यू यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, ये π/6 की वैल्यू, जो π/6 पे वैल्यू है वो 5π/6 पे भी वैल्यू वही आ रही है। π/6 और 5π/6 की वैल्यू सेम है बट ग्राफ अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है ना। वैल्यू रिपीट कर रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये वाली वैल्यू, यहाँ पे देखना ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये दोनों अपने आप को रिपीट तो कर रही है बट ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है। ग्राफ अपने आप को कब रिपीट कर रहा है, ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है 2π के बाद में। तो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, वैल्यू रिपीट होने से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि ग्राफ भी अपने आप को रिपीट करे। जैसे ये वाली पूरी एक साइकिल है, यही साइकिल रिपीट हो रही है, तो नॉट ओनली π/6, इफ यू आर टेकिंग एनी ऑफ एंगल देन ऑल्सो दिस दिस नेचर विल रिपीट, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाए, सॉरी विद 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 पीरियड 2π, ठीक है। तो ये पीरियड आया 2π था, और जो मेन फंक्शन है, मेन फंडा है वो ये है कि साइन ऑफ 2π + x वो डेफिनेटली भी इक्वल टू साइन एक्स, ये होने वाला है हमेशा। या फिर कोई भी फंक्शन के लिए एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होने वाला है, और ये सिर्फ एक एक्स के लिए नहीं होने वाला है, सारे एक्स के लिए होने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने π/6 का आपको एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे एक्स इक्वल टू π/6, 2π + π/6, 4π + π/6, ऐसा एक्स की जगह अगर आप कुछ भी पुट करोगे, π/6 की जगह अगर आप वो दूसरी वैल्यू भी पुट करोगे, तो ये नेचर आपका क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंटली शो होने वाला है। तो अगर इस टाइप का कुछ नेचर आता है देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड विथ पीरियड टी। अब यहाँ पे ये भी आप देखना कि यहाँ पे क्या होता है कि
इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, आप बोलोगे कि सर ये 4π के बाद भी रिपीट कर रहा है, ये 4π वैल्यू है, और मैं बोलूंगा कि 4π वाला भी अगर कॉपी पेस्ट करूं, मतलब ये दो साइकिल कॉपी पेस्ट करूं आगे दो साइकिल करके, तो भी सेम नेचर आएगा, करेक्ट? तो इन दैट केस मैं बोल सकता हूं कि पीरियड मेरा 4π भी हो सकता है या पीरियड मेरा 6π भी हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट? क्योंकि 6π भी आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक का पूरा 6π हो जाएगा, यही का यही कॉपी पेस्ट करोगे, बट दैट वुड नॉट बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी। टी की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होगी वो, ये टी की स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होगी जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करे या फिर ग्राफ अपने आप को रिपीट करे, उससे भी छोटी वैल्यू होगी। तो इसीलिए हम लिस्ट पीरियड बोलते हैं और लिस्ट पीरियड 2π बोलते हैं, ठीक है? तो कुछ ये फंडा है पीरियोडिक फंक्शंस का। ओवरऑल आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो डेफिनेटली अगर आप ग्राफ तरीके से समझ, ग्राफिकली समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट देर आर फंक्शंस जो कि ग्राफिकली आपको बनाने में डिफिकल्ट देंगे, बट शायद पीरियड निकालना उनका किसी मेथड से इजी रहेगा। तो इन द मूविंग फॉरवर्ड इन दिस लेक्चर वी विल बी लर्निंग के जो दूसरे फंक्शंस होंगे उनका पीरियड कैसे निकालना है। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनके पीरियड के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी आपको, जब मैं आपको ये रिवाइज करवाता तो मैंने आपको बेसिक नहीं बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनमें से उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, उनके पीरियड के बारे में भी अभी थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है? तो जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारे जो पीरियोडिक फंक्शन, सबसे पहले इनकी बात करें। साइन एक्स के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ, कॉस एक्स का पीरियड आप लोग मुझे बता दो, एंड देन टेन एक्स का पीरियड आप मुझे बता दो, देन कॉट एक्स का पीरियड आप मुझे बता दो, सेक एक्स का बता दो, एंड कॉसेक एक्स का बता दो। सबसे पहले इनके पीरियड्स बता दो कि इनके पीरियड्स क्या आएंगे। पहले वाले का तो 2π आएगा, राइट? दूसरे वाले cos x का कितना आएगा बेटा? टेन एक्स का कितना आएगा? टेन एक्स का पीरियड याद है? जिसको नहीं पता है बेटा वो ध्यान रखो, पाई आएगा। cot x का भी पाई आएगा, cos x का 2π आ जाएगा, और इसका भी 2π आएगा। टेन का अगर आप ग्राफ देखोगे, टेन का ग्राफ ये आता है, राइट? तो आप ग्राफिकली देखोगे तो अपने आप को पाई के बाद रिपीट कर लेता है वो, यही कॉपी पेस्ट पूरा होते जाता है ऐसा का ऐसा। कॉटेक्स में भी सिमिलरली पाई के बीच में ही रिपीट होता है, ये पूरा का पूरा जो इंटरवल होता है ये पाई होता है यहाँ पे, तो पाई के बाद रिपीट करता है। सेक एक्स का अगर आप ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे सेक एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ ऐसा होता है, ये होता है, ये पाई बाई टू होता है यहाँ पे, ये 3π/2 होता है। तो ये वाली साइकिल जो है यहाँ पे एज इट इज रिपीट होती जाएगी, ये एक साइकिल मैंने यहाँ पे बना दी है ना, यही कि ये कॉपी पेस्ट आप आगे करते जाओगे तो ये रिपीट होती जाएगी, ये -π/2 से लेके 3π/2, मतलब 2π के इंटरवल की साइकिल, ठीक है? इसी में इतना नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं अपन। इसी में अपन साइन स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल आप निकाल के बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल क्या आएगा, सॉरी पीरियड क्या आएगा। प्रीवियस प्रीवियस पेज में से लिख लो बेटा। देखो फंडा हमेशा ये रहना है कि ग्राफ कितने बाद में रिपीट हो जाएगा।
तो इस क्लास में मैं थोड़ा आपको ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ भी बता दूंगा पीरियोडिक फंक्शंस के साथ में, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का लगे कि भाई ग्राफ में कैसे चेंजेस आते हैं अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं एक्सप्रेशन में। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स के ग्राफ में क्या अंतर आएगा, है ना? तो आप थोड़ा सा इसको ये पकड़, ये ध्यान रखना कि ये होता है आपके पास साइन एक्स का ग्राफ। एक साइकिल बना रहा हूं मैं बस साइन एक्स का, ये 2 पाई तक के ग्राफ, ये 0 है और ये पाई है। भाई अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाता हूं, यहां पे ध्यान देना, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ 0 पे तो 0 ही होगा, करेक्ट? 1 π/2 पे कितना हो जाएगा भाई? π/2 पे कितना हो जाएगा? π/2 पे 1 ही हो जाएगा, है ना? ये यहाँ पे π/2 पे 1 था, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। डिफरेंस आएगा वैल्यूज में, जैसे यहाँ पे 1/2 जब वैल्यू थी, जब यहाँ पे 1/2 वैल्यू थी तो यहाँ पे 1/4 वैल्यू आएगी, मतलब ओवरऑल इस ग्राफ के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, बट आएगा कुछ इसी तरीके से। मतलब अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे वैल्यू सेम है, बट डेफिनेटली इससे वैल्यू छोटी है, स्ट्रेट लाइन है, इससे वैल्यू छोटी होगी। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि जब साइन 1/2 होगा तो साइन स्क्वायर 1/4 होगा, उससे छोटा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप बात करोगे तो भाई यहाँ पे भी इससे छोटा होगा, बट 0 यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर हो जाए, मतलब एक तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, रेस्ट थ्रू आउट दिस रेंज साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स से नीचे रहेगा थोड़ा सा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व्ड ही होगा। अब जब आप पाई से ऊपर जाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, जरा मुझे ये बताओ। जब ये -1 होगा तो ये 1 होगा, तो मतलब यहां से जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनेगा। मतलब बोले तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये वाला पार्ट हो रहा है ना भाई, यही वाला पार्ट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मेरे को सिंपल सी चीज ये बताओ कि जब 1/2 और -1/2 वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे जब 1/2 आ रही थी, ये यहाँ पे जब यहाँ पे 1/2 आ रही थी तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ रही थी, यहाँ पे -1/2 अगर साइन की वैल्यू आएगी तो साइन की वैल्यू 1/4 ही आएगी, करेक्ट? नेगेटिव साइन से स्क्वायर को तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो पॉजिटिव बनाएगा। तो कैन आई से दैट के ये जो ग्राफ अब होने वाला है, ये क्या होने वाला है कि ये जो इंटरवल आने वाला है इसके लिए, इसी इंटरवल के बीच में ये अपने आप को रिपीट भी कर लेगा। मतलब अगर आप साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहोगे तो जरूर ऐसे आ जाएगा, और फिर यहां से इसके पहले एग्जैक्ट ग्राफ आप कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें समझोगे, है ना? एओडी पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे कि ग्राफ में क्या चेंजेस आता, बट एक रफ आइडिया आप जरूर बना लोगे कि दिस ग्राफ इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर पाई। तो भाई यहाँ पे पीरियड चेंज हो गया है, वन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। तो अब आपको कैसे इसको इमेजिन करना है, आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है और साइन स्क्वायर को अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि साइन एक्स की वैल्यूज में को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो सारी वैल्यूज का कंबाइंड नेचर किस तरीके से आएगा, ठीक है? तो द पीरियड ऑफ दिस इज पाई। सिमिलरली मुझे ये बता दो अब आप, कॉस स्क्वायर एक्स का कितना आएगा, टेन स्क्वायर एक्स का कितना आएगा, कॉट स्क्वायर एक्स का कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का कितना आएगा, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना आएगा? इसका कितना आएगा? पाई। टेन स्क्वायर एक्स का कितना आएगा? ग्राफ को देख लेना बेटा, कुछ कंफ्यूजन हो ग्राफ देख लेना।
देखो टेन एक्स का जो ग्राफ होता है कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होगा, ये टेन एक्स का ग्राफ। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करूँगा बेटा, तो ग्राफ आपका ना यहाँ से ऐसा जाएगा, इससे ऊपर भी जाएगा, इससे नीचे भी जाएगा, है ना। पाई बाय फोर तक इससे नीचे रहेगा, पाई बाय फोर से इससे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखो मेनली आपको यहाँ पे कंसर्न है कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कुछ ऐसे करके ही जाएगा। तो डेफिनेटली व्हेन यू विल आइडेंटिफाई, तो यही के बाद में आपस में रिपीट होगा। बोले इसके पीरियड में इंटरवल, इसके पीरियड में डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर आपने स्क्वायर भी किया है तो पीरियड इसका पाई ही होगा। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो डॉसमोस पे ड्रॉ करके देख लेना बेटा सारे, एक बार आइडिया के लिए, कि उसी स्क्रीन पे एक बार टेन एक्स ड्रॉ करना और एक बार टेन स्क्वायर एक्स करना, बहुत अच्छे से क्लियरिटी आपको दे देगा वो। ठीक है, स्क्वायर किया तो इनफैक्ट अगर मैं ये लिखूं साइन की पावर एन एक्स कॉस की पावर एन एक्स टेन की पावर एन एक्स कॉट की पावर एन एक्स और सेक की पावर एन एक्स एंड कॉसेक की पावर एन एक्स, तो एन अगर बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, इनका सबका पीरियड पाई हो जाएगा। और अगर एन बिलोंग्स टू ऑड नंबर है, इनका पीरियड सेम रहेगा। जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन देखी पावर टू पाई टू के लिए, क्योंकि जब इवन पावर होती है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है, बट ऑड पावर है तो नेगेटिव को नेगेटिव ही रखती है। लिख लिया ये सब, लिख लो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आइडेंटिफाई करने की, एक इम्पोर्टेंट चीज है ग्राफ के बारे में, थोड़ी सी चीज समझने के लिए। हाँ, डॉसमोस आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी देगा बेटा, मैं आपको एक डिटेल में भी बताऊं। वैसे तो जब आप डॉसमोस पे ड्रॉ करोगे ना, जैसे टेन एक्स का ड्रॉ करो, और एक चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे ये टेन एक्स का ग्राफ मैंने डिटेल में बना दिया है ना, ये एक साइकिल बना रहा हूँ बस, मैं इन्फिनिटी पे टच करेगा ये आपको देगा पाई बाई टू। अब जब आप देखोगे, मैंने आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बोली थी, स्क्वायर करोगे ना यहाँ एक पाई बाय फोर होगा, पाई बाय फोर पे जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी भाई, प्लस वन होगी। और जब टेन स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे ना आप, तो इससे नीचे आएगा बेटा, और यहाँ के बाद इससे ऊपर चला जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स का ग्राफ होगा। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, मैं और वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा इन चीज़ों के प्रिस्क्राइबली, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा आपको, डेफिनेट इंटीग्रेशन इन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे, तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों हो रहा है ये चीज़ें भी आपको समझनी है, छोटी सी चीज़ें बट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि आप अगर यहाँ पे कहीं पे जाते हो, मान लो आपने यहाँ पे पाई बाय थ्री लिया,
पाई बाय थ्री पे इसकी वैल्यू वन से बड़ी है, रूट थ्री, ये रूट थ्री आएगा। बट भाई साहब टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा, टेन स्क्वायर की वैल्यू तो स्क्वायर हो जाएगी ना उसकी, कितनी आनी चाहिए, थ्री आनी चाहिए, करेक्ट। तो समझ में आ रहा है कि टेन स्क्वायर ऊपर आएगा, और पाई बाय फोर से जब आप नीचे हो बेटा, पाई बाय फोर से नीचे हो, सपोज आप हो पाई बाय सिक्स पे, तो पाई बाय सिक्स पे ये जो टेन की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये जो टेन की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये आएगी आपके पास वन बाय रूट थ्री, और टेन स्क्वायर की वैल्यू आएगी, टेन स्क्वायर की वैल्यू उससे भी कम आएगी वन बाय थ्री। हाँ तो वन बाय रूट थ्री और वन बाय थ्री में से वन बाय थ्री छोटा है, तो डेफिनेटली टेन एक्स नीचे होगा कंपेरिजन, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स नीचे होगा टेन एक्स के कंपेरिजन में पाई बाय फोर तक, पाई बाय फोर से आगे टेन स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा। तो थोड़ी सी बारीकियां हैं जो कि आपको मैंने यहाँ पे भी थोड़े से मैं बता दी थी, बट आई वॉज मतलब मुझे पता है कि वो इतनी क्लियर नहीं होगी अगर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया हो तो। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, विदाउट दैट आप कैलकुलस एक डिसेंट बनाने में आपको डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप एक छोटी सी चीज नोट करोगे ना, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ में ये स्मूथनेस बनाई है, ये एक स्मूथनेस बनेगी यहाँ पे इस टाइप की, ये भी आप आगे सीखोगे कि इस स्मूथनेस का मतलब क्या है ना। ये यहाँ पे ऐसा एकदम शार्प एज नहीं आएगी है ना, क्यों नहीं आएगी इसके बारे में भी आप जानोगे, ये पॉइंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं है, बट जैसे आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे ना तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं रहेगी, वो चीज़ें क्लियर होने में थोड़ा सा इशू होता है। अब मुझे ये बताओ भाई साहब, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना दो और इसका पीरियड बता दो। मॉड आई वॉज प्लानिंग यार, एक्चुअली क्या है कि आई वॉज प्लानिंग टू अपलोड वीडियोज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन एज वेल, ये ठीक है मैं रेगुलर क्लास में नहीं कंप्लीट कराऊंगा, बट मैं सारे का एक बना के एक एक वीडियो बना के सारे की बेसिक प्रॉपर्टीज ग्राफ वगैरह सब बता दूं, बट एक्चुअली आई वाज बिजी इन हॉस्पिटल फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज फ्रॉम लास्ट वीक और सो, तो दैट्स व्हाई आई वाज अनेबल टू गिव एक्स्ट्रा टाइम एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉलेजेस। चलो डोंट वरी दैट वी विल मैनेज इट फॉर टाइम बीइंग का टाइम, बस थोड़े टाइम के लिए इशू। अब अगर मेरे पास मॉड साइन एक्स आ गया तो ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, तो आपको पता है कि साइन का जो ग्राफ होता है वो ये होता है बेटा, है ना। अब इसी पे अगर मैं मॉड का ग्राफ बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना कि मॉड के ग्राफ में भाई इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। मॉड का मतलब क्या होता है, इससे पॉजिटिव वैल्यू ले लेता है, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं आएगा, और यहाँ पे वो शार्प एज लेके ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे शार्प एज आएगी। जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे शार्प एज आएंगी इस केस में, प्रीवियस साइन स्क्वायर के केस में यहाँ पे एक स्मूथनेस आ रही थी, यहाँ स्मूथनेस नहीं आएगी, यहाँ पे शार्प एज आएगी। हम उसके बारे में भी लेटर मतलब कैलकुलस में आगे बात करने वाले हैं। कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो साइन एक्स का पीरियड कितना था, 2 पाई, बट इसका पीरियड कितना हो जाएगा भाई, इसके बाद में ये अपने आप को रिपीट करता हुआ जाएगा। तो पीरियड विद, तो मुझे अब ऐसा करो, मॉड टेन एक्स, सॉरी मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स मॉड सेक एक्स, वो जहां भी आपको कंफ्यूजन लगता है वहां पर आप इनके ग्राफ बना लेना।
10x का कितना आएगा पीरियड जरा बताओ तो मॉड में. मॉड 10x का पीरियड कितना आएगा बेटा? अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है ग्राफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं. 10x का ग्राफ आपको पता है ये होता है. और जब इसका आप मॉड लोगे तो ये तो एज इट इज ही जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं. ये ऊपर वाला एज इट इज जाएगा. और आपको ये पता भी होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का फंडा है कि जब आप करोगे तो इन जो नेगेटिव वैल्यू है भाई साहब ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी. ये नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब क्या होने वाला है, इसकी मिरर इमेज बनानी रहती है. ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसकी क्या करोगे आप, यहाँ पे मिरर इमेज बनाओगे. इसके सारे पॉइंट की मिरर इमेज बनाओगे तो जो नेगेटिव वाला ग्राफ है, जो नेगेटिव वाला ग्राफ है उसका क्या होने वाला है, वहां पे थोड़ा सा चेंज होने वाला. हाँ बेटा शार्प एज आएगी, बट दैट यू विल यूअर सेल्फ विल बी एबल टू आइडेंटिफाई आफ्टर डिफरेंशिएबिलिटी बेटा. तो इसका पीरियड पाए 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 एंड पाए. अब देखो जरा मुझे ये बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको पता तो होगा ये क्या होता है. 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.2 होता है. 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 होता है. -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.8 होता है. इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन. इसका ग्राफ जब आप बनाओगे, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो 0 से लेके 1 तक ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन. डेफिनेटली जो एक्स की वैल्यू है वही पीरियोडिक, वही वैल्यू इसकी होगी. 1 पे 0 हो जाएगा एंड देन अगेन अपने आप को सेम इसी फंडे में रिपीट करने लग जाएगा. ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा एंड सो ऑन. और यहाँ नेगेटिव में भी वो सेम अपने आप को ऐसा रिपीट करेगा. तो डेफिनेटली पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1. इसको भी नोट कर लेना. दिस इज नॉट द इंटीग्रल, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ना. जो इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ होता है दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दैट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन.
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो पीरियोडिक नहीं होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है ना। कभी भी आप एक्स को लिखते हो तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल, मैं आपको भेज दूंगा लिंक। इसको इस तरीके से लिखते हो, ये पीरियोडिक होता है, ये पीरियोडिक नहीं होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पीरियोडिक। ठीक, अब चलो ये तो हो गया। अब मान लो कभी आपके पास ए रेस टू द पावर साइन एक्स आया, या सपोज टू रेस टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मैंने लिख दिया, मतलब एक फंक्शन एफ एक्स है जो टू रेस टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ठीक है, कुछ इस टाइप के फंक्शंस मान लो आए जो पीरियोडिक हैं कि नहीं है आपको जज करना है। जैसे कि एक और मैंने e रेस टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स लिख दिया, ये पीरियोडिक हैं, पीरियोडिक हैं तो पीरियड कितना है अगर आपको ये जज करना है तो आप कैसे करोगे? टू की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो देखो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, ये ग्राफ होता है उसका। और ये वन वैल्यू होती है। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे टू की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो मुझे ये बताओ जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो होगा, जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो होगा, यहाँ पे जीरो पे जीरो होगा, तो फिर टू की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी, मतलब टू की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहाँ पे लाई करेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जीरो से लेके वन तक जाती जाएगी, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? तो आप ये देखना सिर्फ कि टू की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले तो टू की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है? टू की पावर एक्स का ग्राफ ये होता है बेटा, है ना, इंक्रीजिंग होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। जीरो पे इनपुट ये होता है, और जब वैल्यू वन होती है तो वन पे इनपुट कितना होता है बेटा? टू होता है। और ये वन होता है, करेक्ट। तो वेन यू आर पुटिंग, ध्यान देना है यहाँ पे, एक थोड़ा सा मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ बेटा, कि यहाँ पे जीरो जब आपने इनपुट डाला था, टू की पावर एक्स वन आउटपुट दे रहा था, जब आपने वन इनपुट डाला है तो आपको आउटपुट कितना मिल रहा है? टू आउटपुट मिल रहा है, करेक्ट। वन इनपुट के लिए टू आउटपुट, जीरो इनपुट, और ये थ्रू आउट दिस वैल्यू ग्राफ जो है वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो वेन यू आर पुटिंग इनपुट बिटवीन दिस जीरो टू वन, जीरो से लेके वन की तरफ अगर इनपुट बढ़ता जा रहा है, इनपुट बढ़ता जा रहा है, तो ग्राफ भी क्या होता जा रहा है? ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है वन से लेके टू के तरफ। ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, ध्यान देना। व्हेन यू आर पुटिंग इनपुट फ्रॉम जीरो टू वन, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग इनपुट फ्रॉम जीरो टू वन, द आउटपुट ऑफ टू की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वन टू टू। ये ग्राफ हमको यहाँ पे आराम से बता देता है, भाई यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो यहाँ जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, जीरो से वन आ रही है, तो यही तो सीन आ रहा है कि जीरो से वन इनपुट है, दिस इज इनपुट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ग्राफ आपका क्या बनना चाहिए कि यहाँ पे तो ये बनेगा, वो जैसे ही यहाँ पे पहुँचता वैल्यू आपके पास कितनी आनी थी? आइडियली टू आनी थी, बट टू आएगी नहीं, सिर्फ यहाँ पे ऐसे बच के रह जाएगा ऊपर की तरफ, फिर वापस यहाँ से चालू हो जाएगा। अब वापस से वैल्यू ऐसे रिपीट करने लग जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा आपके पास टू की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। डेफिनेटली पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड वन आना ही आना है, एंड इनफैक्ट अगर कोई ऐसा फंक्शन है, हमने कंपोजिट के बारे में बात करी है, इफ जी ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, देन f of g of x is also periodic. जो यहां पे हुआ है ये भी एक्चुअली आप मानोगे तो दो कंपोजिट फंक्शन ही है। एक फंक्शन है, सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़े से एक्सप्लेनेशन अपन को चाहिए,
कि अगर मैंने एफ एक्स ले लिया टू की पावर एक्स, और जी एक्स ले लिया मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सो डेफिनेटली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, टू रेस्ट टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, कंपोजिट फंक्शन ही है एक्चुअली। तो ये थोड़ी सी ग्राफ के बारे में डिटेल है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ें ग्राफ से हो जाती हैं। थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे बहुत प्रॉब्लम आती है ग्राफ में, बट एक बार जब आप कंफर्टेबल बनते हो तो एनालिसिस आप कर पाओगे। पूरा कैलकुलस में एनालिसिस सीखते रहोगे, ऐसा नहीं है कि फंक्शन में ही सीखते हैं, ग्राफ के डिटेल में एक्चुअली पूरा कैलकुलस, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ग्राफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको देगा इन्फॉर्मेशन। एओडी में और सीखेंगे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एओडी में, तो पूरे ग्राफ को हम तोड़ देंगे छोटी छोटी चीज़ों में। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ ग्राफ में, यही वाला इसका ग्राफ में, कि टू की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे काम कर रहा है। ये जब एक्स यहाँ से यहाँ तक वेरी कर, जैसे एक्स यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है 0 to 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो इस तरीके से वेरी कर रहा है, राइट? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इन एनी केस व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 1 to 2 एज वेल, देन द ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, आउटपुट 0 से 1 की तरफ मूव कर। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1, द आउटपुट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे जब आप 2 की पावर एक्स का ग्राफ का एनालिसिस आप करोगे, तो 2 की पावर एक्स का ग्राफ आपके पास ये होता है, इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ आता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो जब 0 से लेके 1 की तरफ आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते हो, तो 2 की पावर एक्स का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, आप इस पे ध्यान दो। तो आपका आउटपुट ये यहाँ पे ये आ रहा है, व्हेन योर इनपुट इज दिस, ध्यान देना मैं एक बार और बना रहा हूँ, व्हेन योर इनपुट इज दिस, योर आउटपुट इज दिस, मतलब इफ योर इनपुट इज दिस, योर आउटपुट इज दिस। तो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 0 to 1, योर आउटपुट इज मूविंग फ्रॉम 1 to 2 इंक्रीजिंग। तो व्हेन यू आर, यहाँ इनपुट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ये दिस इज द इनपुट। तो जब एक्स आपका बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास ये भी बढ़ता जाएगा, है ना? सेम उसी से इंस्पायर्ड होके लिख। अब मेरे को जरा इसका पीरियड बता दो, ई की पावर लॉग साइन एक्स का। और इसका ग्राफ भी बना के बता दो। तो इसका ग्राफ आपके पास, आपको पता है कि ये साइन एक्स के बराबर ही हो जाएगा भाई, है ना? आपको पता है ये प्रॉपर्टी, ए की पावर लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस ई है डेफिनेटली, लॉग बेस ए बी की वैल्यू बी के बराबर ही होती है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर ली। तो साइन एक्स आ गया, अभी भाई साहब साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स का तो ग्राफ आपको पता ही है ना, ये फंक्शन तो अब इसका ग्राफ ये बनेगा कि ये तो आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, 2π तक कोई आउटपुट नहीं आएगा, ग्राफ ये बनेगा। आ रहा है? पता है क्यों बनेगा ये, बीच बीच में खाली क्यों रहेगा? मेरे को कोई बताएगा बेटा कि सर आपने आपने बीच में खाली क्यों लिखा? आप तो बोल रहे हो साइन एक्स के बराबर ही है, बट बीच में खाली क्यों है ग्राफ? ये खाली इसीलिए है क्योंकि इसकी डोमेन बहुत रोल प्ले करेगी। कैन नॉट हैव द नेगेटिव, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस आएगा बेटा। कभी भी आप घुसोगे आप डिटेल में आगे, तो डोमेन आपके पास आएगी साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इनफैक्ट 0 के बराबर भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी जो आप डब्बे बनाओगे ना, वो डब्बे ऐसे बनाने पड़ेंगे आप, ये वाले कि दिस वैल्यू वैल्यूज आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, है ना? अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा, दैट्स वाई ये ग्राफ बनेगा। लॉग फॉर नेगेटिव वैल्यू डज नॉट इज नॉट डिफाइंड, तो साइन एक्स पॉजिटिव वाला ही ग्राफ है ना, बाकी बनाना साइन एक्स ही है। तो मेरे को ये बताओ कि दिस इज अ पीरियोडिक विद पीरियड हाउ मच, विद पीरियड 2π। ठीक है, अब मेरे को एक और क्वेश्चन बताओ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो लॉजिक आपको पता चल गया है, अब आप क्वेश्चन बताओगे मुझे सिर्फ कि अब क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कैसे करना है ना, कुछ चीजें हैं अभी वो डिफाइन करना बाकी है मेरे को।
इसका पीरियड कितना होगा? साइन की पावर जीरो, कॉस की पावर जीरो, टेन की पावर जीरो। या मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं बेटा इसको। साइन एक्स की पावर जीरो प्लस कॉस एक्स की पावर जीरो प्लस टेन एक्स की पावर जीरो। एक फंक्शन मैंने ये दे दिया और एक फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू टू। ये दो फंक्शन है मेरे पास। एक ये फंक्शन जी एक्स मान लेता हूं मैं, जी एक्स। इन दोनों फंक्शन का पीरियड बताओ। एक कांस्टेंट फंक्शन है राइट हैंड साइड वाला। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं, ये राइट हैंड वाला इज इट ए पीरियोडिक फंक्शन? क्या ये पीरियोडिक फंक्शन? इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा टू पे। तो क्या वैल्यू रिपीट कर रही है अपने आप के बाद? क्या वैल्यू रिपीट कर रही है क्या इसमें? क्या वैल्यू रिपीट कर रही है क्या इस वाले फंक्शन में? किसमें? एफ एक्स में। इसमें द वैल्यू ऑफ ग्राफ इज रिपीटिंग और नॉट, यस और नो? भाई साहब वैल्यू तो रिपीट ही हो रही है, क्योंकि हमेशा ही टू आ रही है तो रिपीट क्यों नहीं होगी? होगी यार, हमेशा ही तो टू है। अब मैं पूछूंगा कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, तो आप बोलोगे सर इंटरवल तो बता ही नहीं सकता मैं इसमें। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और वो सारे इनफाइनाइट नंबर्स पे इसकी वैल्यू टू ही होगी। और पीरियोडिक फंक्शन में तो इंटरवल निकालना पड़ता है जिसके बाद ग्राफ रिपीट हो। इसमें इंटरवल निकाल ही नहीं सकता हूं मैं जिसके बाद ग्राफ रिपीट हो, क्योंकि यहां तो इनफाइनाइट नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन, डेफिनेटली इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन बट नॉट हैव अ वेल डिफाइंड पीरियड, बट नॉट हैव अ वेल डिफाइंड, अ वेल डिफाइंड पीरियड। ठीक है, पीरियोडिक है बट पीरियड नहीं पता हमको, हमने हमने भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, वेल डिफाइंड है ही नहीं क्योंकि हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसका मेरे को बताओ, अब जी एक्स का बताओ भाई साहब। अब इसकी आप वैल्यू बोलोगे कि सर इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये साइन एक्स की पावर जीरो भी वन, कॉस एक्स की पावर जीरो भी वन, टेन एक्स की पावर जीरो भी वन, तो ओवरऑल ये आ तो मेरे पास थ्री रहा। भाई किसी भी नंबर की पावर जीरो करोगे तो वैल्यू कितनी आती? वन ही आती है ना। तो साइन एक्स में भी कुछ भी हो डजेंट मैटर, पावर जीरो करोगे तो आंसर वन ही आना चाहिए। कॉस एक्स की पावर जीरो भी वन और टेन एक्स की पावर जीरो भी वन, तो ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया है ना। कांस्टेंट फंक्शन तो पीरियोडिक होता है या नहीं होता है? होता है। पीरियड क्या होता है तो हमको नहीं पता, नहीं डिफाइन किया हुआ है। तो मैं इसको पीरियोडिक फंक्शन विथ नो पीरियड बोल दूं, विथ नो डिफाइंड पीरियड। बट यहाँ पे एक चेक है, चेक ये है, इसकी डोमेन की बातें नहीं करी है मैंने। मैं ऑल द रियल वैल्यूज इनपुट ले लूं बट मैं वो वैल्यूज नहीं ले सकता हूं जब साइन एक्स जीरो हो। मतलब मैं वो वैल्यूज नहीं ले सकता हूँ बेटा जहां पे साइन एक्स जीरो हो। साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, टेन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, सॉरी टेन एक्स तो ठीक है, सबसे पहले कॉस एक्स लिख देते हैं। कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड टेन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड टेन एक्स शुड बी डिफाइंड है ना। टेन एक्स के साथ एक और पंगा ये होता है कि वो डिफाइन भी नहीं होता है कहीं पर, कहीं पे पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है। जब अगर आपने ट्रिगो इक्वेशन पढ़ी है तो पीरियोडिक पाई बाई टू के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होता है।
तो साइन एक्स और कॉस एक्स, अगर मैं ये वाला सिस्टम ध्यान रखूं मेरे पास, तो यहाँ पे साइन एक्स 0 पे 0 होता है, तो मुझे ये एंगल नहीं चाहिए, ये भी साइन एक्स 0 होता है, यहाँ पे कॉस एक्स 0 होता है, यहाँ पे कॉस एक्स 0 होता है, तो ये एंगल मुझे नहीं चाहिए, करेक्ट। और यहीं पे ये दोनों एंगल ऐसे होते हैं जहाँ पे ये वाले दोनों एंगल होते हैं जहाँ पे टेन भी डिफाइन नहीं होता है, तो ठीक है, उस इन दोनों एंगल को भी रिमूव करना है। तो ओवरऑल मेरे को, और यही एंगल होते हैं जहाँ पे टेन एक्स 0 होते हैं, तो ओवरऑल ये चारों एंगल नहीं होने चाहिए सिस्टम में मेरे पास, मतलब 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड सो ऑन। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मुझे भाई पाई बाई 2 के मल्टीपल मत देना, ये मेरी डोमेन हो जाएगी कि मेरे को पाई बाई 2 के मल्टीपल मत देना, क्योंकि पाई बाई 2 के मल्टीपल पे मेरा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ये वाला, ये डिफाइन नहीं है, बाकी तो हमेशा डिफाइन है। आप पाई बाई 2 के मल्टीपल छोड़ के कुछ भी पुट कर दो, ठीक है भाई। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो अब ग्राफ बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, पाई बाई 2 इनपुट डाल ही नहीं सकता हूँ, पाई इनपुट डाल ही नहीं सकता हूँ, 3 पाई बाई 2 इनपुट डाल ही नहीं सकता हूँ, -π/2 इनपुट डाल ही नहीं सकता हूँ, 0 इनपुट डाल ही नहीं सकता हूँ, और ये इनपुट नहीं डाल सकता हूँ तो मेरे पास डेफिनेटली आउटपुट नहीं आ रहा है। इनपुट नहीं डालूंगा तो आउटपुट नहीं आएगा, बट बचे हुए सारी वैल्यूज पे आउटपुट मेरे पास कितना आएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता जाएगा, सिर्फ पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पे इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। इसको हम वापस से जब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे ना, हम इसको एक बार और देखेंगे इस ग्राफ को, इसकी हेल्प से हम सीखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें, नेक्स्ट चैप्टर जो अपना है। तो आप देखोगे कि हमेशा +3 आ रहा है बट कहीं वैल्यू पे नहीं आ रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला कॉपी पेस्ट हो रहा है ना, विथ पीरियड पाई बाई 2 हो जाएगा ना। तो देखो कॉन्सेप्ट वही है, हमने जो पीरियोडिक ग्राफ कितने टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो पाई बाई 2 के बाद में रिपीट कर रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, नोट कर लेना बेटा, ये दोनों चीजें हैं। आई थिंक आज का तो पूरा लेक्चर पीरियोडिक में ही निकल जाएगा अपना, क्योंकि चीजें भी थोड़ी ज्यादा हैं इसमें, समझ लो। प्रीवियस पेज जरा, अब यहाँ पे एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, मुझे sin 2x का पीरियड चाहिए, sin 2x का पीरियड जब आप बनाओगे ना बेटा, तो यहाँ पे एक चीज अब देखना, ग्राफ में एक और इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर ये sin x का ग्राफ था, तो जब आप sin 2x का ग्राफ बनाओगे ना, ये बन जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक समझना कि अगर मैं sin x और sin 2x को साथ में देखूं, तो ये वाला x और ये वाला 2x,
इसमें जब एक्स में वेरिएशन जीरो से लेके टू पाई तक जाएगा, और ये जब जीरो से लेके टू पाई तक जाएगा, तो इसके लिए एक्स को टू पाई तक जाएगा, तो एक्स को इसमें जीरो से लेके पाई तक ही जाना पड़ेगा। तो देखो, जब आप एक्स जीरो से पाई तक जाएगा, ध्यान देना, एक्स जब जीरो से पाई तक जाएगा, तो ओवरऑल इस वाले साइन के लिए इनपुट कहाँ से कहाँ चला जाएगा? जीरो से टू पाई तक चला जाएगा, है ना, जो इसका इनपुट रहेगा। तो यही वाला ग्राफ आ जाएगा सेम, सिर्फ जीरो से पाई के बीच में ही आ जाएगा एक्स की वेरिएशन। तो ग्राफ वही का वही है, सिर्फ सिकुड़ गया है, सिकुड़ जाना जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, या श्रिंक करना बोल सकते हो, राइट। तो क्या हो गया, श्रिंक कर गया है, और इसीलिए ग्राफ इसका चेंज हो गया। ये जो साइकिल पूरी थी, जो टू पाई में चलनी थी, वो अब पाई में चल जाएगी। तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा? इसका पीरियड आ जाएगा पाई। सिमिलरली, अगर आपको मैंने साइन थ्री एक्स का पीरियड पूछा, तो इसका पीरियड आ जाएगा टू पाई बाय थ्री। अगर मैंने साइन फोर एक्स का पूछा, तो इसका पीरियड आ जाएगा टू पाई बाय फोर। इसको आप लिख सकते हो टू पाई बाय टू। मतलब ओवरऑल ये जो वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना, ये कांस्टेंट से रेशियो को, सॉरी, पीरियड डिवाइड हो जाएगा। तो अगर साइन एक्स का पीरियड टू पाई है, तो साइन फोर एक्स का पीरियड आपको निकालना है, तो टू एक्स बाई फोर कर दोगे। तो अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हुआ है एक्स की वैल्यू में, तो उसमें पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड में चेंजेस आएगा। और क्या चेंजेस आएगा? तो जो ओरिजिनल पीरियड था, उससे डिवाइड हो गया है वो कांस्टेंट जितना बड़ा है। तो अगर मैंने पूछा आपसे कि मुझे ऐसा करो, आप साइन ऑफ टू एक्स बाई थ्री का पीरियड निकाल के दो, तो आप सिंपल बोलना, सर टू पाई पीरियड होता है साइन का, और टू बाई थ्री से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई? 3 पाई हो रहा है। इस बार मेरा बढ़ गया, क्योंकि ये जो 2/3 है, 1 से छोटा है, इसीलिए मेरा पीरियड बढ़ गया है। अगर साइन, मान लो किसी ने बोला एक्स बाय 100 का मेरे को पीरियड निकाल के दो, तो आप बोलोगे ठीक है, 2 पाई पीरियड होता है साइन एक्स का, और कांस्टेंट जो है वो 1/100 है, तो मेरे पास पीरियड कितना हो जाएगा? 200 पाई। तो ठीक है, ये चीज समझो। मैं कंक्लूजन बताऊंगा आपको, ये सारे के कंक्लूजन क्या है। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा अपन को, है ना। अगर मैंने साइन एक्स प्लस पाई बाय सिक्स का पीरियड पूछा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? इसका पीरियड कितना आएगा? एक्स प्लस पाई बाई सिक्स का। मतलब व्हाट आई डिड इज, आई हैव एड अ कांस्टेंट इन एक्स। इफ आई एम एडिंग अ कांस्टेंट इन एक्स, मेरा रिजल्ट, मुझे ये जानना है कि उसके पीरियड में क्या चेंजेस आएगा। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था, मैंने ऐड किया है। ना, तो इसमें भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ग्राफ का पार्ट भी बता देता हूँ। एक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके पार्ट होता है, जिसमें ये सारी चीजें आपने, पता नहीं मुझे पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, करेक्ट। तो ये जो नया वाला ग्राफ आपको बनेगा ना, देखो, जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय सिक्स होगी, तो ये साइन जीरो की तरफ बिहेव करेगा। एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई सिक्स होगी, तो ओवरऑल कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको देखना कि ये थोड़ा सा ना शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। एग्जैक्ट यार स्केल पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब मैं इसको नीचे बना देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। ये सिर्फ ग्राफ आपके पास यही बनेगा, पाई बाय सिक्स से शिफ्ट हो जाएगा।
ना, ये सिर्फ ये है कि ये वाला जो x की वैल्यू यहाँ पे थी वो वैल्यू ये आएगी, ये वैल्यू जो यहाँ थी वो वैल्यू पीछे पाई बाय सिक्स पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जो जीरो पे था ये माइनस पाई बाय सिक्स पे था, जो ये पाई पे था ये पाई माइनस पाई बाय सिक्स पे था। तो ये सिर्फ ये जो डिफरेंस है एक्चुअली, आप यहाँ पे इसको स्केल पे ड्रॉ करोगे, अगर सेम स्केल पे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आता जाएगा, पाई बाय सिक्स से शिफ्ट हो जाएगा। ना ऐसे पाई बाय सिक्स से शिफ्ट होके ग्राफ आ जाएगा। आप अगर मैंने माइनस किया यहाँ पे, माइनस किया सॉरी ऐड किया, तो पाई बाय सिक्स से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट। अगर मेरा ग्राफ ये होता साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाय सिक्स, तो क्या होता, पाई बाय सिक्स से कहाँ शिफ्ट होता, पाई बाय सिक्स से कहाँ शिफ्ट होता, राइट शिफ्ट होता। देखो ये चीज़ें अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं आएगा, बट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। ओवरऑल माय कंक्लूजन इज पीरियड विथ पीरियड, पीरियोडिक विथ पीरियड, हाउ मच, 2 पाई ओनली, पीरियड विथ पीरियड, पीरियड 2 पाई ओनली। तो पीरियड विल नॉट गोइंग टू चेंज, ग्राफ विल इज डेफिनेटली शिफ्टिंग आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड डिपेंडिंग वेदर वी आर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग। ग्राफ इज शिफ्टिंग, बट शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ इज नॉट चेंजिंग द पीरियड, द पीरियड विल रिमेन द सेम बिकॉज द ग्राफ विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंटरवल ओनली। ठीक है, तो पीरियड विल नॉट गोइंग टू चेंज। तो इफ यू आर एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एनी थिंग देन द पीरियड विल नॉट चेंज। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब मेरे पास अगर फंक्शन एफ एक्स है विथ पीरियड टी, ये अपने आप को टी के बाद रिपीट कर रहा है, तो अगर मैं एफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड निकालने की कोशिश करूं, तो दिस बी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव विल नॉट गोइंग टू चेंज एनी पीरियड, एंड दिस ए विल डेफिनेटली चेंज माय पीरियड, एंड दिस विल चेंज समथिंग लाइक टी बाय ए, और मॉड ए में लिख देता हूं, मेरे को पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। अगर माइनस टू भी रहेगा तो प्लस टू से डिवाइड करना है मुझे। ठीक है, तो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग with any constant the period will change, if you are adding and subtracting in the values of x then the period will not change. ek example main dekh leta hu ke maan lo fractional part of x ka period jo hai yahan pe wo 1 hota hai, to fractional part of 3x ka period kitna ho jayega, 1 by 3 ho jayega. fractional part of minus 100x ka kitna ho jayega, to iska period 1 by 100 ho jayega, and 100 se divide ho jayega. अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10x प्लस 3 लिखूंगा, मतलब कोई भी नंबर मैंने ऐड किया, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज द पीरियड, 1/10 हो जाएगा। अगर माइनस ऑफ 9x प्लस 7 किया, तो माय पीरियड इज 1/9 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना कि इफ़ यू नो द पीरियड ऑफ दिस, यू नो द पीरियड ऑफ ऑल दिस। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, डजंट मैटर, इन एनी पीरियोडिक फंक्शंस दिस विल गोइंग टू हैपन। प्रीवियस पेज शो कर देता हूं बेटा, प्रीवियस पेज ये रहा, नोट कर लो। मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बारे में भी बात करें, अभी अपना स्ट्रिंग बहुत लंबा चलेगा, हमने तो सिर्फ अभी तक लिमिट ही पढ़ा है साथ में, अभी कैलकुलस जब आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बीच बीच में आती जाएंगी, मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा बेटा टाइम टू टाइम।
चलो अब ये वाला पार्ट तो हो ही गया अपने पास। अब रिजल्ट में, अब अगर मेरे पास मान लो फंक्शन ये आया भाई, एफ एक्स मेरे पास अब फंक्शन ये आ गया, अगर ये फंक्शंस आ गए तो इनके पीरियड कैसे, मतलब व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज आई एम कंबाइनिंग टू पीरियोडिक फंक्शन। भाई अगर दो पीरियोडिक फंक्शन को मैंने कंबाइंड किया तो मेरा पीरियड क्या आने वाला है? तो देखो इसमें सिंपल सा एक फंडा यूज कर, देखो लॉजिक आप समझना, मैं लॉजिक से बताऊंगा फिर उसका रीजन निकाल बताऊंगा कि शॉर्ट कैसे निकालोगे। ये खुद एक 2π पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड भी 2π होता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 2π के बाद तो इसको किसी भी कंडीशन में वैल्यू अपने आप को रिपीट करनी ही करनी है ना। जैसे ये वाले केस ले लेते हैं अपन, ये 2π पीरियड के साथ फंक्शन है और ये फंक्शन 2π पीरियड के साथ है, ठीक है। अब अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये वाले फंक्शन में वैल्यू कितने के बाद रिपीट होनी चाहिए? पाई के बाद रिपीट होनी चाहिए, 2π के बाद में रिपीट होनी चाहिए। पाई के बाद में ये रिपीट करेगा बट ये तो रिपीट नहीं कर पाएगा, तो ओवरऑल समेशन की वैल्यू रिपीट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। ओवरऑल समेशन की वैल्यू रिपीट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो अपने आप को पाई के बाद रिपीट कर लेगा बट पाई के बाद ये तो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा ना। ओवरऑल आपको क्या है, समेशन की वैल्यू रिपीट करवानी है। तो इसीलिए हम लोग लॉजिक क्या बोलते हैं कि हम लोग अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों के पीरियड का। एलसीएम का मतलब खुद खुद आपको समझ में आना चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, कि दो नंबर का कॉमन मल्टीपल है वो सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके बाद जो दोनों नंबर का मल्टीपल हो, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर आप देखो कि एक बार और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये 2π और ये पाई के बाद में अपने आप की वैल्यू रिपीट करेगा, तो मुझे ये बताओ कि जैसे 0 से लेके पाई तक गए, ध्यान देना मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास, मैं शॉर्ट में आपको समझा दूंगा कि रीज़न क्या है। कि 0 से लेके पाई तक गए तो भाई ये साइन एक्स अपनी वैल्यू लेते चला, टेन एक्स अपनी वैल्यू लेते चला, सबकी वैल्यू कुछ कुछ आती गई, पाई तक पहुंच गए। पाई तक रिपीटेशन का कोई सवाल उठता ही नहीं, करेक्ट। पाई से 2π तक गए तो ये अपने आप को रिपीट करने लगा, बट ये क्या, ये अपने आप को रिपीट किया जो 0 से चालू हुआ था, क्या पाई के बाद भी वही चालू हुआ क्या? ये चालू हुआ कि पाई से ऊपर जैसे ही बढ़े और 0 से ऊपर बढ़े थे तो इसका इसकी वैल्यू सेम आएगी बट इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो ओवरऑल समेशन की वैल्यू सेम नहीं आएगी। बट जैसे ही आप 2π के ऊपर उठोगे, ध्यान देना, जैसे ही आप 2π के ऊपर उठोगे तो ये भी रिपीट हो जाएगा और ये खुद तीसरी साइकिल में रिपीट हो जाएगा, थर्ड साइकिल में रिपीट हो जाएगा, 2π प्लस पे ये भी रिपीट हो जाएगा और ये भी रिपीट हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू जरूर रिपीट होगी। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ से, वो इन दोनों का एलसीएम आएगा। देखो अभी मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी आपको, बस आप समझ लो, जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। बट जिसको नहीं आया, देखो एक एक लॉजिक आपको क्लिक होना चाहिए। मैं अभी क्लिक ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा तो शायद सबको नहीं क्लिक करवा पाऊँ, बट आई थिंक 50-60-70% को तो क्लिक हो ही जाएगा कि भाई इनका एलसीएम आपका आंसर होगा, क्योंकि वैल्यूज रिपीट होने की बात होती है ग्राफिकली हमेशा। मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन इंट्रोड्यूस भी ऐसे किया था कि ग्राफ को रिपीट करवाना है आपको भाई, तो पाई के बाद रिपीट करने का कोई सवाल नहीं उठता, 2π के बाद इसमें जरूर रिपीट होगा। अब मेरे को जरा बताओ तो इसके नेक्स्ट वाले में क्या पीरियड आएगा? इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पाई है ना, 2π है, मैं यहाँ पे दूसरे कर, इसका पीरियड आएगा 2π/2 विच इज इक्वल टू पाई। इसका पीरियड कितना आ जाएगा? पाई/1/5।
तो ये कितना आ जाएगा, 5 पाए। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए इसका भाई, पाए। और 5 पाई का एलसीएम कितना आना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम कितना, कितने के बाद वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, 5 पाए। सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं। नीचे वाला बताओ मेरे को फटाफट, कितना पीरियड, पाए। कितना पीरियड, 2π/5। वॉट इज द एलसीएम, पाए बाय, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2π/5। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एक बहुत अच्छा बच्चों को तरीका जैसे बताते हैं वो बताता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक पाई है और एक 2π/5 है। 2π/5 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, इसका दूसरा मल्टीपल होगा 2π, इसका मल्टीपल होगा 3π, इसका मल्टीपल होगा 4π, एंड सो ऑन। ये इसके मल्टीपल्स हों, इसका पहला मल्टीपल ये है, दूसरा मल्टीपल आएगा 4π/5, फिर मल्टीपल आएगा 6π/5, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो, फिर 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8π/5, 10π/5, और 10π/5 की वैल्यू कितनी होती है, 2π। तो लिस्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा, 2π। दोनों का मल्टीपल है और सबसे छोटा, इससे छोटा कोई मल्टीपल है क्या दोनों का, तो एलसीएम कितना आना चाहिए, 2π। और ऐसा क्यों हो गया यहाँ पे, ऐसा क्यों हो गया यहाँ पे, बताएगा मैं रीज़न बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, कि इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली बच्चों का तरीका हम नहीं करेंगे, हम एक डायरेक्ट तरीका है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको करेंगे। याद है क्या, किसी को कोई पिंक करके बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे आगे से। चलो आगे बढ़ूंगा बेटा, है ना, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन है ना कि ए बाय बी और सी बाय डी का एलसीएम लेना है, वुड बी द एलसीएम ऑफ, करेक्ट, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी, दिस वुड बी एलसीएम ऑफ, देखो फंक्शन एक ऐसा चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, फंक्शन कैलकुलस पूरा ऐसा है कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है ना वो सब घुसता है, जितना भी मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, सॉरी, एलसीएम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, एचसीएफ लिखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपका इसका अगर आप एलसीएम ले रहे हो, इसका आप एलसीएम ले रहे हो, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा सी आएगा, एंड ये एचसीएफ ऑफ बी कॉमा डी आएगा। इसको लिख लो, और अब ये प्रीवियस स्लाइड पे देख लो कि यहां पे जो आपने निकाला था वो क्या निकाला था। यहाँ पे क्या निकाला था, तो पाई और 2π/5 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2π। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 है, 1 और 5 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो योर आंसर इज 2π। तो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्टिक्स, के यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस टू, एंड दिस इज द लॉजिक। है ना, तो ये क्लियर है। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन में ये सब काम हो जाता है, बट अगर ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला, इसका पीरियड आप मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा।
इसका आप लोग बोलोगे सर अभी तक जितना आपने बताया उसके हिसाब से पाई आना चाहिए, बस इसको डोसमोस पे प्लॉट करके देखो कितना था, कितने के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। इसका आइडियली हमारा जो फंडा है वो ये बोलता है कि सर ठीक है इसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है, अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो डेफिनेटली पाई आना चाहिए, राइट। बट ये गलत है बेटा, बट ये गलत है, पाई नहीं आएगा, ये थोड़ा सा लोचा कर देगा, यही तो बात है। पीरियोडिक फंक्शन में देखो मैक्सिमम में एलसीएम लगेगा बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, हर एक क्वेश्चन में अपनी अपनी प्रॉब्लम है, आपको ग्राफिकली चीजों को सोचना है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि पाई से एक छोटी वैल्यू है जो पाई बाई टू है, एंड पाई बाई टू के बाद में क्या होता है ना, जैसे आपने एक्स वैल्यू डाली, जैसे थीटा वैल्यू डाली, और आपने पाई बाई टू प्लस थीटा वैल्यू डाली, ये थीटा कैन बी एनी थिंग लाइन बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू, कुछ भी डालो आप, आपकी मर्जी, पाई बाई टेन डालो, पाई बाई सिक्स डालो, पाई बाई थ्री डालो, पाई बाई फोर डालो, जो भी डालो। ये वैल्यू डाली और ये वैल्यू डाली, तो आप देखो मेरा जो फंक्शन है ना, फंक्शन पे ध्यान देना, मॉट साइन एक्स, तो मेरे पास जो फंक्शन है मेरे पास ये आ जाएगा मॉट साइन एक्स प्लस मॉट कॉस एक्स, और इस पे अगर मैं वैल्यू निकालू है ना, इस पे वैल्यू निकालू किस पे, पाई बाई टू प्लस थीटा पे, तो मेरे पास मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये आ जाता है आपके पास कॉस थीटा, और ये आ जाता है आपके पास माइनस साइन थीटा, बट ये मॉड होने के कारण इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस साइन लिखो या नहीं लिखो, आप उसको यही लिख सकते। तो भाई ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है क्या, सेम ही है ना। अब थीटा कुछ भी हो रिपीट कर गया ना अपने आप को, कर गया ना थीटा, आप 1 डिग्री लो, 2 डिग्री लो, 3 डिग्री लो, 4 डिग्री लो, कुछ भी करो, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही आने वाली, मतलब साइन 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन पाई बाई टू प्लस 1 डिग्री पे भी आ रही है, साइन 2 डिग्री की जो वैल्यू है वो साइन पाई बाई, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पाई बाई टू पीरियड आ जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसीलिए हो गया, मैं रीजन बताता हूँ, एक आइडिया आपको सोचने का तरीका देता हूँ कि ऐसा हमको कैसे समझ में आएगा। ये निकालो, ये ठीक है वर्कआउट करेगा, बट द प्रॉब्लम हियर इज दिस टू एक्सप्रेशन, दिस टू पीरियोडिक फंक्शन, ये मॉड होने के कारण एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं इससे भी छोटे इंटरवल पे, इससे भी छोटे इंटरवल पे ये अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो दैट इंटरवल यू हैव टू फाइंड आउट, एंड दैट इंटरवल वुड बी योर आंसर, एंड दैट इंटरवल इज पाई बाई टू, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड आउट के पीरियड साइन एक्स कॉस एक्स है, तो पाई से छोटा अगर कोई नंबर लेंगे जिसमें एक्सचेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली पाई बाई टू ही आपके दिमाग में आएगा, और कोई दूसरा एंगल नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस या थोड़ा सा नॉलेज से आपको आ जाएगा। तो हाँ, यू कैन से दिस इज एक्सेप्शन ऑफ एलसीएम रूल, इन मैक्सिमम केस एलसीएम रूल अप्लीकेबल है, बट देयर आर द केसेस जहां पे ये इशू आ जाएगा। ये मैंने क्या बोला, मैंने पाई बाई टू क्यों निकाला, क्योंकि ठीक है साइन एक्स और कॉस एक्स इन्वॉल्व थे, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के ही आपको निकालना पड़ेगा रिया, मतलब उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ी सी नॉलेज, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस आने लगेगा। बट हाँ, डेफिनेटली चैलेंजिंग पार्ट है पीरियोडिक फंक्शन अपने आप में, अच्छा खासा चैलेंजिंग पार्ट है अगर अच्छा क्वेश्चन आते हैं तो। अभी तो हमने बेसिक सीखा है, क्वेश्चन में डिटेल में घुसे नहीं है, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग दी है 90% कॉन्सेप्ट्स की, अभी तो कॉन्सेप्ट्स को आप और भी डीप में घुस सकते हो। हाँ, ग्राफ से तो पता चलेगा, बट इसका ग्राफ बनाना भी थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, डॉसमोस की हेल्प से तो बना लोगे आप, बट खुद बनाने बैठोगे तो डेफिनेटली चैलेंज करेगा, क्योंकि ग्राफ बनाने में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो पीरियोडिक फंक्शन है भाई, आपको पता होना चाहिए उसका पीरियड क्या है, या तो दोनों के साइमल्टेनियसली थॉट दे दो आप ग्राफ बनाने में, या फिर पीरियोडिक पता है तो आपको ज्यादा इजी होता है ग्राफ बनाना, कंपैरिजन तो आपको ग्राफ पता के पीरियोडिक बताना, अभी तक साइन एक्स कॉस एक्स में तो ग्राफ पहले से पता थे तो पीरियड जज करना या पीरियोडिक इमेजिन करना ईजी रहता है, बट एक कोई ऐसा नया एक्सप्रेशन आता है जिसमें चैलेंजेस आते हैं बेटा,
ठीक है, उनके बारे में हमको थॉट नहीं देना है, मतलब क्वेश्चन आएगा जब भी बात करेंगे, जब भी उसके बारे में सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले क्लियर कर लें हम। चलो विद दिस आई विल एंड द लेक्चर। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं जो हमको आगे यूज़ आते हैं, और मीन वाइल चैप्टर्स के बीच में मैं कवर करते रहूँगा अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं पता है फंक्शंस का और हमको आगे कहीं यूज़ आएगा तो।